भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली शुक्रवार को सोनीपत में भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने का मंत्र दिया और उसके बाद वह छोटूराम विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस द्वारा जो कारनामे किए गए हैं उनको हरियाणा की जनता भूल नहीं पाई है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हिसाब जनता जरूर देगी और भाजपा ने 10 वर्ष में जो कार्य किए हैं जो कि जनता के सामने हैं, जब भी चुनाव होता है तब जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करके प्रमाणित करती है। अब विधानसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा में तीसरी बार जनता सरकार बनाकर इतिहास रचने वाली है क्योंकि भाजपा ने प्रदेश और केंद्र द्वारा जनहित में जुड़ी योजनाओं का लाभ सबको दिया है। 2014 में जिस प्रकार से स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी थी, वही 2024 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता उसको दोहराने का काम करेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पुराना है, वो इस प्रकार का जो हमारी जांच एजेंसियां हैं जो संवैधानिक तरीके से काम करती हैं, बगैर किसी राजनीतिक दबाव के काम करती हैं और इस प्रकार के हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। और 11 सवाल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कांग्रेस से किए, वो मीडिया के सामने किए हैं। उन 11 सवालों पर वो अपना पक्ष रखें और जो 15 सवाल कांग्रेस ने किए वो 15 सवाल आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी। SYL के पानी को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है, वो राजनीतिक स्तर पर भी किया है और प्रशासनिक स्तर पर भी किया है और जो तीनों प्रांतों ने मिलकर जो बैठक करनी थी उस स्तर पर भी कानूनी रूप से भी उस लड़ाई को हमने जीतने का काम किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में उसका फैसला दिया है। वो फैसला पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है उसको लागू करे और उस प्रयास में हम हैं और क्योंकि पंजाब में जिस विचार की सरकार है, जिस सोच की सरकार है वो सबको पता है और वो जो SYL का पानी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में हरियाणा में लेके आए। सोनीपत जिला में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज के रहे और एक युवा मोर्चे का पदाधिकारियों की बैठक कल भी सोनीपत में रही। ये जो दो दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा सोनीपत में हुई है और आज इसका समापन हुआ है, इसमें तमाम युवा मोर्चे के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सतीश पुनिया जी और हमारे संगठन मंत्री फणिंदर नाथ जी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का काम है उसका विस्तार से आज पूरा दो दिन तक विचार मंथन हुआ है और 90 दिन की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना बनी है चुनाव के दृष्टिगत, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमने तय किए हैं, वो प्रोग्राम हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और आम वोटर का अलग, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के हर बूथ पर 11 ऐसे जो मोटरसाइकिल जिन कार्यकर्ताओं के पास है उनका चयन करके एक टीम का गठन करना और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो 4 अगस्त तक वोट बनाने का काम चलेगा उसमें नए वोटरों का सम्मान करना, नए वोटरों को जोड़ना, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी 90 दिन का जो समय है इसमें पूरी तरह से लगेगा उसकी कार्य योजना हमने की है और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम करने की ये हमारी पद्धति है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठकें हुई, फिर जिले में हुई, फिर मंडलों में हुई, उसी प्रकार से हमारा युवा मोर्चा भी जिलों में इसी प्रकार की बैठकें युवा मोर्चे की रहेंगी। 10 दिन के अंदर प्रत्येक जिले में इसी प्रकार की बैठकें होके और फिर प्रत्येक 313 मंडलों में यही युवा मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठकें होंगी और उसमें सबको काम का बंटवारा करते हुए अपने बूथ को मजबूत करते हुए हम काम करेंगे। और एक दूसरी जो बैठक आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के
कार्यालय में हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री पुनिया जी ने सभी चुनाव लड़े हुए हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय टीम के सदस्य और सभी चेयरमैन, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और मेयर, इन सब की ऐसे एक 75 कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने भी अलग अलग से ली है। हम सबसे अलग से बातचीत करते हुए पार्टी के काम में लगे हैं। इस प्रकार की एक हमारी दो महत्वपूर्ण बैठकें आज सोनभद्र में रही। भारतीय जनता पार्टी का जो